नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। गरीब किसान भाइयों को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा तोहफा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन किया है, लेकिन मूंग के दाम बाजार में बहुत कम हैं। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि अपने किसानों को हम न्याय देंगे। मूंग का समर्थन मूल्य जो 7,275 रुपये प्रति क्विंटल है, उस पर खरीदेंगे। इसके लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन माह की शुरुआत बड़े हर्षोल्लास के साथ हुई। बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की भस्म आरती का लाभ लेने महाकाल मंदिर पहुंचे। महाकाल मंदिर के पुजारी ने बताया कि सामान्य दिनों में रोजाना सुबह 4 बजे बाबा के पट खोले जाते हैं, लेकिन सावन माह में सुबह 3 बजे ही बाबा के पट खोलकर भस्म आरती की तैयारी कर मनमोहक श्रृंगार किया गया है। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए 3 किलो IED लगाया था, लेकिन नक्सलियों की ये साजिश नाकाम कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में COVID-19 बूस्टर डोज टीकाकरण अभियान के शुभारंभ की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित इलाकों में निरंतर राहत और बचाव का कार्य जारी है। हरदा में 1500 लोगों को SDERF ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गुना, बालाघाट, खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश की जनपद पंचायतों के चुनाव नतीजे सामने आने लगे हैं। सभी 313 जनपद पंचायतों की काउंटिंग चल रही है। अभी तक जनपद बोर्ड के लिए 200 के परिणाम सामने आ गए हैं, जिनमें 141 में भाजपा समर्थित और 56 पर कांग्रेस समर्थित ने कब्जा जमा लिया है। वहीं 3 पर अन्य ने बाजी मारी है। इंदौर शहर में बारिश के पानी को सहेजने के लिए अप्रैल में शुरू हुई मुहिम को 3 माह हो गए। अब तक 80,000 घरों की छतों व जल स्रोतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग चुके हैं। यदि औसत बारिश होती है तो इससे 6 से 7 हज़ार करोड़ लीटर पानी जमीन में उतर सकेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से कितना वाटर लेवल बढ़ा है, इसका पता लगाने के लिए निगम ने 10 जगह पीजोमीटर भी लगाए हैं। इसकी रीडिंग भी मिलने लगी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 169 नए केस आए हैं। वहीं 132 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 928, संक्रमण दर 2.90% और रिकवरेट 98.60% है। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।